नमस्कार दोस्तों, आरएनपी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं रितेश आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स 2020। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन, भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर, इसका जो है वो सही जवाब है। अगर कृषि की बात करें तो हाल ही में कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस अप्रूव किया है जिसका नाम है द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। इस ऑर्डिनेंस का क्या काम है कि ये फार्मर्स के और ट्रेडर्स के लिए उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइसेस को ओपन करेगा ताकि वो अच्छे दाम पे एग्रीकल्चर जो भी उनके सामान है उसको प्रोड्यूस कर सकें। और ये जो ऑर्डिनेंस है वो उनकी मार्केटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए लाया गया है। उनकी मार्केटिंग कॉस्ट को ये कम करेगा और किसानों को मदद करेगा बेटर प्राइस पाने के लिए। ये मेनली किसानों को एम्पावर्ड करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, जुलाई 2020 तक किस देश से भारत को 4 राफेल विमान मिलने की संभावना है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस है। फ्रांस से इस बार इंडियन एयरफोर्स को फर्स्ट बैच के जो 4 राफेल जेट्स हैं वो जुलाई एंड में मिलने की संभावना है। ये जो जेट्स हैं मई में ही मिल जाने चाहिए थे लेकिन कोविड-19 के कारण ये डिले हो चुका और इस बार जुलाई तक इसको मिलने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस का जो विषय है यानी कि थीम है वो क्या है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ये बिल्कुल सही जवाब है। इस बार जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 का जो थीम है वो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसर्न है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। और हमें ये समझना होगा कि हमारा जो रिलेशनशिप है प्रकृति के साथ वो सही ढंग से चलता रहे। और इस समय जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस चल रही है वो हमारे लिए एक वार्निंग है जिसको हमें समझना होगा। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? इसका जो सही जवाब है मेजर सुमन गवानी, ऑप्शन नंबर ए। सुमन गवानी ने पहले वुमेन पीस कीपर की तरह तौर पे काम किया है यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान में 2019 में और इस बार ये पहली भारतीय पीस कीपर बनी है इस अवार्ड को जीतने के लिए। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया कि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने किस संस्थान में अनुसंधान के लिए समर्थन को मंजूरी दे दी है ताकि फास्ट ट्रैक एंटी सार्स कोव 2 दवाओं के लिए उपलब्ध और अनुमोदित दवाओं से मुख्य यौगिकों की पहचान की जा सके? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, IIT BHU, जो कि वाराणसी में है। जो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड है उन्होंने IIT BHU वाराणसी में अनुसंधान के लिए समर्थन को मंजूरी दे दी है ताकि फास्ट ट्रैक एंटी सार्स कोव 2 दवाओं के लिए उपलब्ध और अनुमोदित दवाओं से मुख्य यौगिकों की पहचान की जा सके। प्रोफेसर विकास कुमार दुबे का जो अनुसंधान समूह सार्स कोव 2 के खिलाफ ड्रग बैंक यानी कि ड्रग बैंक FDA द्वारा अनुमोदित दवा यौगिकों का एक डेटाबेस है उसकी खोज करके नए ड्रग उम्मीदवारों को विकसित करने पर काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विदेश से भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने नौकरियों के लिए स्वदेश योजना शुरू की, इस स्वदेश का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इस स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इनका जो काम है मेन एम है वो बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनका डेटाबेस तैयार करना और जो क्वालिफाइड सिटीजन्स हैं उनके जॉब के हिसाब से क्या उनकी स्किल है उसको अलग अलग तरीकों से रख कर उनके एक्सपीरियंस के बेस पर
उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके जो हमारे यहाँ जो कंपनियां हैं उनको प्रोवाइड करना, ताकि उनको सुटेबल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वर्ष 2020 का अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसने जीता है? इसका जो सही जवाब है वो है किरण मजूमदार सौ। किरण मजूमदार सौ जो हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एंड एमडी हैं बाइकॉन लिमिटेड की। इन्होंने इस बार ईवाई अवार्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 जीता है। ये 46 नॉमिनेशंस मिले हैं 41 कंट्रीज में, उनमें से इनको पिक किया गया है। ये दूसरी महिला हैं जो इस टाइटल को पाई हैं। इससे पहले ओलिविया लम ने 2011 में इसे पाया था। अगला क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की घोषणा करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। इस प्रतियोगिता का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है वो माई लाइफ एंड माई योगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। इसमें जो हमारा इस बार है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वो छठवां है, छठवां इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ योगा रहेगा और वो 21 जून 2020 को मनाया जाता है हर साल। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन यानी कि ICCR दोनों लोग साथ में आकर ये कॉन्टेस्ट क्रिएट किए हैं, इसको बनाया है इन्होंने और इसका नाम माई लाइफ माई योगा रखा गया है। कोरोना वायरस के चलते इस बार सोशल गैदरिंग ना करते हुए लोगों को घर से ही वीडियो अपलोड करने के लिए बोला गया है और इस ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए बोला गया है। और इसका जो प्राइज मनी है माई GOV पर 1,75,000 रुपये भी रखी गई है। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल ही में जयंती लाल ननोमा का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका जो सही जवाब है वो आर्चरी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ये आर्चरी के कोच थे और एशिया कप और एशियन पिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके थे। कोच के तौर पर रहते हुए इन्होंने कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं राजस्थान से। अगला क्वेश्चन, ट्विटर में नए बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे प्रभार दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो पैट्रिक पीचेट हैं। पैट्रिक पीचेट जो हैं उसको उनको ट्विटर ने मंगलवार को ये चेयरमैन का ऑफ द बोर्ड का ये पोजीशन दिया है। और इससे पहले ये फॉर्मर गूगल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी रहे थे 2008 से 2015 के बीच में। 2015 से 2017 तक इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पर इन्होंने ज्वाइनिंग की थी और इस बार इनको चेयरमैन बनाया गया है। इससे पहले ओमिद कोर्डेस्तानी वो चेयरमैन थे अक्टूबर 2015 तक। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, 1 जून 1984 से लेकर 8 जून 1984 तक ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।